नमस्कार दोस्तों, वन इंडिया मैं प्रशांत आप सभी का स्वागत करता हूं। सूर्य कुमार यादव ने भारतीय टेस्ट कप्तान विराट कोहली की जमकर तारीफ की है। टी20 वर्ल्ड कप में अपने खराब दौर के बाद सूर्य कुमार यादव ने भारतीय सरजमी पर बढ़िया वापसी की और न्यूजीलैंड के खिलाफ 5 विकेट से जीत में अहम भूमिका निभाते हुए मैन ऑफ द मैच का अवार्ड भी अपने नाम किया। यादव ने इस दौरान बताया कि पूर्व टी20 कप्तान विराट कोहली ने अपने नंबर 3 की पोजीशन त्याग दी थी ताकि सूर्य कुमार यादव टी20 वर्ल्ड कप में नामीबिया के खिलाफ इस पोजीशन पर बल्लेबाजी कर सके। अब यादव ने विराट कोहली की अनुपस्थिति में इस पोजीशन पर बल्लेबाजी करने का पूरा फायदा उठाया और 40 गेंदों पर 62 रनों की पारी खेलकर भारत को जिताने में अहम किरदार निभाया। विराट कोहली सीरीज से बाहर बैठे हैं और न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज के दूसरे और अंतिम मुकाबले में वो नहीं खेल पाएंगे। यादव मैच खत्म होने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं, मैंने अपनी बल्लेबाजी को काफ़ी लचीला किया है और बैटिंग ऑर्डर के हिसाब से तब्दील कर सकता हूँ। मैंने ओपनिंग से लेकर नंबर 7 तक बल्लेबाजी की है और मैं किसी भी पोजीशन पर बैटिंग कर सकता हूं और मैं इससे खुश भी हूं। यादव ने ताजा कि कैसे कोहली ने उनकी बैटिंग पोजीशन को त्याग कर खुद को नंबर 4 पर भेजा था। ये इंग्लैंड के खिलाफ मुकाबले की बात है और फिर वर्ल्ड कप में भी कोहली ने ऐसा किया। यादव कहते हैं, ये कोहली बहुत ही खूबसूरत बात है। उन्होंने पूछा, क्या यादव नंबर 3 पर जाना चाहेंगे? उन्होंने कहा, मैं अपने फ्रेंचाइजी के लिए पिछले 3 साल से नंबर 3 पर बल्लेबाजी कर रहा था, इसलिए ये कुछ अलग नहीं था। मैं कुछ अलग करने की कोशिश नहीं करता, मैं सिर्फ खुद में रहना चाहता हूं और टी20 का आनंद लेने की कोशिश करता हूं। सूर्य कुमार यादव ने आगे कहा कि वेंकटेश अय्यर जल्द ही पिच पर गेंदबाजी करते हुए भी नजर आएंगे। आपको बता दें, पहले टी20 मैच में टीम इंडिया ने 5 विकेटों से जीत दर्ज की। एक समय टीम इंडिया आसानी से लक्ष्य की ओर बढ़ रही थी, लेकिन अंतिम ओवरों में न्यूजीलैंड के गेंदबाजों ने वापसी की थी। आखिरी ओवर में टीम इंडिया को जीत के लिए 10 रन बनाने थे। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे वन इंडिया के साथ।